हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हीरा सिंह राणा जो एक गायक हैं। सर, क्या लगता है कि जो उत्तराखंड की जो जनता मांग कर रही है कि दिल्ली में भी उत्तराखंड भाषा की एक अकेदमी होनी चाहिए, दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद है उत्तराखंड की, लेकिन फिर भी वो मांग पूरी नहीं हो पा रही, क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हमारे जो गणमान्य लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, उनकी तरफ से कुछ उदासीनता इसमें नज़र आती है। नहीं तो अभी तक तो इसमें हो जानी चाहिए, इतनी जब बोलियों का, भाषाओं का यहाँ हो रहा है तो हमारे उत्तराखंडी तो हर मामले में तादाद से ज़्यादा हैं, पंजाबी से ज़्यादा हैं, बंगालियों से ज़्यादा हैं, गुजरातियों से ज़्यादा हैं। उदासीनता की बात करिए, आपने किस तरीके की उदासीनता देखी? उदासीनता ये है कि जो हमारा लोक साहित्य है या लोक कलाओं से जितनी भी विधाएँ हैं उनके लिए हमारे जो प्रतिनिधित्वकर्ता हैं वो जागरूक नहीं है। उदासीनता का मेरा अर्थ यही है कि अगर वो तत्पर होते और विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में इस बात को उठाते तो अभी कहीं ना कहीं, जबकि हमारे यहाँ के बड़े बड़े अच्छे नेता रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हैं, हेमंत नरेंद्र बहुगुणा रहे हैं और नारायण दत्त तिवाड़ी रहे हैं उद्योग मंत्री, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उदासीनता वहीं पर नज़र आती है। राणा जी, एक सवाल आपसे है कि ज़्यादातर देखा गया है जितने भी गद्य या कवि हैं ज़्यादातर हिंदी भाषाओं में लिखे गए हैं। आप लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड की भाषा की अकादमी खोली जाए, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो भाषाओं में लिखे गए हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि आप लोगों की जो इतने प्रसिद्ध आप गायक भी हैं फिर भी? देखिए, हम तो लोक कलाकार हैं, हमारा काम है लोगों को जागृत करना अपनी लोक बोली के आधार पर या अपनी लोकगीतों के आधार पर या लोक परंपरा के परंपरागत गीतों के आधार पर, लेकिन जो इसमें इतना काम नहीं हो पा रहा है वो मैंने पहले आपको कुछ कह दिया है, लेकिन जो हमारी लोक भाषा है उसको पढ़ने के लिए जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारी समझो कि 80 के दशक के बाद की जो पीढ़ी है, उसको तो पता ही नहीं है ये बोलियाँ क्या हैं। वो अगर मंच पर हमको सुनती भी है तो उनके लिए वो एक मजाक जैसा होता है, तो उनको भी अपनी बोली के बारे में अवगत कराना हमारे प्रत्येक पेरेंट्स का, जो माँ बाप हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो कम से कम कुछ तो सिखाएं ताकि वो लोग उसके प्रति आकर्षित रहें। राणा जी, कहावत है एक कोस कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर वाणी, तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि आपको जो उत्तराखंड में भी जो है तीन भाषाएं बोली जाती हैं उनको लेकर के एक आपस में भी मतभेद है और जो उत्तराखंड की जनता है वो एकजुट नजर नहीं आ रही इस चीज? नहीं, वो एकजुट नजर आ जाएगी अगर उसके लिए कोई ठोस काम होगा तो आएगी ना। अब जब काम ही नहीं होता है तो अब बिखरी भी लोग रहते हैं, कोई नैनीताल वाले अलग, जैसे मैं थोड़ा सा देर को आपको बताऊं कि कहाँ जानो छा, कहाँ जा रहे हो, ये नैनीताल में बोला जाता है। अब अल्मोड़े में बोला जाता है कहाँ जाड़ो छा, जो अणों की जगह है वो नौ बोला जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार की हल्की सी बातें हैं, लेकिन वो समझ में तो सबके आ जाता है ना। आखिरी सवाल आपसे, अब आप लोगों की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि दिल्ली में जहां तक हम गलत नहीं है तो सभी सरकारों ने कहा था कि भाई हम अगर सत्ता में आए तो हम उनके लिए ये करेंगे, उत्तराखंडियों को लेकर भी काफ़ी वादे किए गए थे, तो अब आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? दुर्भाग्य से कि इस वक्त ना तो हमारा कोई पार्लियामेंट में जितने भी प्रतिनिधित्व तो हमारा था मंत्रिमंडल में मेरे को कोई नज़र नहीं आता, विधानसभा में यहाँ दिल्ली के कोई एक व्यक्ति नज़र नहीं आता, जबकि चलो राजनीतिक उथल पुथल हुई लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व की संख्या नगण्य है। जब तक वो वहाँ पर अपने विचार को रखेगा नहीं विधानसभा में या पार्लियामेंट में, बात कैसे आगे बढ़ेगी? तो ये थे राणा जी जिनका कहना कि कहीं ना कहीं जो सरकार जो इनकी है उसमें भी उदासीनता नज़र आ रही है, जिसके कारण कि जो उत्तराखंड की अकादमी की जो मांग है, भाषा की मांग है, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मुनीश शरत, हिमालय न्यूज़, दिल्ली।